आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल के चैप्टर नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट शीत युद्ध। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अनुज वर्मा और आप देख रहे हैं एजे एजुकेशन वर्ल्ड। आइए स्टार्ट करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र की अगुवाई कौन कर रहे थे? तो अब इसको बताने से पहले हम द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत बताते हैं। जो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत थी वो 1939 से 1945 तक हुई थी, मतलब कि 1935 में उसकी शुरुआत 39 में उसकी शुरुआत हुई और 1945 में वो समाप्त हो गया। तो उसके बीच जो युद्ध हो रहा था वो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र की अगुवाई अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस कर रहे थे। और जो अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस ये सब क्या कर रहे थे? द्वितीय राष्ट्र की अगुवाई कर रहे थे और धुरी राष्ट्र की अगुवाई जर्मनी, इटली और जापान कर रहे थे। तो ये थे जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों की अगुवाई कर रहे थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्यूबा के मिसाइल संकट को शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यों माना जाता है? कि जो क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था उसको शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यों माना जाता है? क्यूबा अमेरिका के तट से लगा एक छोटा सा द्वीप है जो सोवियत संघ से जुड़ा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो छोटा सा आ रहा है ना, ये छोटा सा जो आ रहा है ये है ना, यहाँ अमेरिका के साइड में एक छोटा सा द्वीप है। सोवियत संघ के नेता निकिता खुश्चेव ने 1962 में वहाँ परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। निकिता खुश्चेव ने क्या करा, सोवियत संघ के जो नेता थे उन्होंने 1962 में ना क्यूबा में मिसाइलें तैनात कर दी, जिससे अमेरिका खतरे की सीमा में आ गया। अमेरिका क्या हुआ, एकदम नज़दीकी से खतरे की सीमा में आ गया। अब उसके दोगुना देश तबाह हो सकते थे एक ही बार में। अमेरिका के राष्ट्रीय जॉन एफ कैनेडी युद्ध करने से हिचकिचा रहे थे, और जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे वो युद्ध करने से हिचकिचा रहे थे। जो जॉन एफ कैनेडी जो थे वो युद्ध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि युद्ध जो होता परमाणु हथियारों से होता और इससे बहुत विनाश होता। लेकिन वह इस बात को लेकर दृढ़ थे कि क्यूबा में मिसाइल को हटा दिया जाए, कि क्यूबा से मिसाइल को हटा दिया जाए, वो यह चाहते थे। कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़े को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाली जहाजों को रोका जाए। कि कैनेडी ने क्या करा कि क्यूबा को घेर लिया और अपनी जंगी बेड़ों के से, और ये कहा गया कि वहाँ पे अगर कोई भी जहाज आता है ना तो उसको जाने ना दिया जाए, वहीं पे रोक लिया जाए। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच मुठभेड़ की संभावना बढ़ गई, इससे क्या उनके बीच में लड़ाई की संभावना ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन सोवियत संघ ने 23 अक्टूबर 1962 में मिसाइल हटाने को तैयार हो गए। जो सोवियत संघ के वो थे राष्ट्रपति निकिता खुश्चेव, उन्होंने निर्णय लिया कि अब मैं ना अपनी मिसाइलें हटा लेता हूँ, इससे कुछ फायदा नहीं है, इससे तबाही तबाही मचेगी, इसलिए उन्होंने अपनी मिसाइलों को हटा लिया। ऐसी स्थिति में यह लगा कि युद्ध होकर रहेगा, कि ऐसी स्थिति में ये लगने लगा था कि युद्ध तो होकर ही रहेगा, लेकिन वास्तव में युद्ध नहीं हुआ। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध क्या है? अब हम जानते हैं शीत युद्ध क्या है। शीत युद्ध उस स्थिति को कहा जाता है जब देश के बीच प्रतिद्वंद्विता, तनाव और संघर्ष तो जारी रहता है, मतलब कि उनमें प्रतिद्वंद्विता जारी रहती है, तनाव रहता है कि एक दूसरे से है ना अखबारों के थ्रू और रेडियो के थ्रू लड़ते हैं, एक दूसरे की बुराइयां करते हैं, ये सब जारी रहता है। लेकिन वह संघर्ष और तनावपूर्ण युद्ध का रूप नहीं लेता, कि वो संघर्ष और तनावपूर्ण युद्ध जो होते हैं उसका रूप नहीं रहता। वो है ना आपस में हथियारों से या सेना भेजकर कोई युद्ध नहीं करते, खाली विचारों से और बातों से युद्ध करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका दो महाशक्तियों के रूप में उभरे, कि द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में जब समाप्त हुआ वैसे शीत युद्ध का आरंभ हुआ। क्योंकि क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद ही अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्तियां के रूप में उभरे। दोनों अस्त्र शस्त्र ताकत में किसी से कम नहीं थे, दोनों एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर ही थे। दोनों गुटों में तनाव प्रतिद्वंद्विता सदैव चलती रही, लेकिन दोनों में कभी भी सामने सामने का युद्ध शुरू करने का प्रयास नहीं किया। क्योंकि दोनों ने आमने सामने का युद्ध करने का इसलिए प्रयास नहीं किया, दोनों ही महाशक्तियां थी, अगर ये आपस में युद्ध करते तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता, इसलिए इन्होंने कभी युद्ध छेड़ने का वो ही नहीं किया।
प्रयास ही नहीं किया। इसी तनावपूर्ण स्थिति को शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान भारत दोनों खेमे में से किसी भी एक के साथ शामिल क्यों नहीं हुआ। कि ये पूछें कि शीत युद्ध के दौरान जो भारत था वो किसी के भी साथ शामिल क्यों नहीं हुआ। शीत युद्ध के दौरान भारत किसी भी पक्ष में शामिल नहीं हुआ क्योंकि उसे अपनी संप्रभुता को बचाए रखना था। कि भारत चाहता था कि वो अपनी संप्रभुता को बचाए रखे क्योंकि वो अभी आज़ाद हुआ है। एकदम से किसी के संग मिल जाएगा, किसी भी गुट के संग मिल जाता है तो फिर से वो अपने आप को बंदी के रूप में ही मानता। तो आज़ाद हुआ है इसलिए वो अपनी संप्रभुता को बचाना चाहता था। भारत को उस समय आर्थिक विकास और क्षेत्रीय अखंडता की जरूरत थी। कि भारत को क्या था कि उसको विकास करना था और क्षेत्रीय अखंडता भी चाहिए थी। कि भारत जो था रजवाड़ों में बटा हुआ था इसलिए अपने क्षेत्र को एकजुट भी करना था। तो इसलिए भी उसने किसी गुट में शामिल होने का निर्णय नहीं लिया। किसी पक्ष में शामिल होकर भारत अपने विकास को अवरुद्ध होते हुए नहीं देखना चाहता था और वो अपने विकास को भी अवरुद्ध होते हुए नहीं देखना चाहता था। भारत गुटबाजी से दूर रहकर अपना चतुर्मुखी विकास करना चाहता था। वह क्या करता है, गुटबाजी से दूर रहकर अपना चतुर्मुखी विकास करना चाहता था। थोड़ा साथ अमेरिका का देगा, थोड़ा साथ मतलब कि मध्यस्थता निभाएगा दोनों के बीच, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच मध्यस्थता निभाएगा। जिससे क्या होगा कि इसे दोनों विकसित देश थे इसलिए दोनों देशों से फायदा हो, इसलिए भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी गठबंधन ने किस संगठन की स्थापना की और कब की थी। और पूर्वी गठबंधन ने किस संगठन की स्थापना की थी और कब की थी। जो पश्चिमी गठबंधन है वो अमेरिका के संग था। पश्चिमी गठबंधन ने उत्तर अटलांटिक संधि नाटो की स्थापना 1949 में की थी। और जो पूर्वी गठबंधन था वो सोवियत संघ के संग था जिसने वारसा संधि की स्थापना 1955 में की थी। नाटो की स्थापना 1949 में और पूर्वी गठबंधन वारसा संधि की स्थापना, वारसा संधि या वारसा पैक्ट भी कह देते हैं इसे, 1955 में। नाटो क्या है। दो ध्रुवीय व्यवस्था ने सोवियत संघ को जन्म दिया। कि जो दो ध्रुवीय व्यवस्था बढ़ गई थी, सोवियत संघ और अमेरिका के गुटों में सब शामिल होने लगे थे, इनने नाटो को जन्म दिया। अप्रैल 1949 में पश्चिमी गठबंधन ने अमेरिका की अगुवाई में, जो पश्चिमी गठबंधन था उनने अमेरिका की अगुवाई में 12 देशों को लेकर उत्तर अटलांटिक संधि संगठन को जन्म दिया। नाटो को मतलब कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को जन्म दिया। इसमें 12 देश शामिल थे, उसमें से थे बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आयरलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, ब्रिटेन, अमेरिका। ये जो 12 देश थे ये नाटो में शामिल थे। जो उसकी पश्चिमी गठबंधन ने अमेरिका के साथ मिलकर एक गुट बनाया, ये वो देश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीटो का पूर्ण नाम क्या है। सीटो वारसा पैक्ट हो गया जो पूर्वी गठबंधन के साथ बना था। तो सीटो का पूर्ण रूप है साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिण पूर्वी एशियाई संधि संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत युद्ध के दौरान भारत दोनों खेमे में से किसी भी एक के साथ शामिल क्यों नहीं हुआ। कि जो भारत था वो शीत युद्ध के दौरान दोनों खेमों में से किसी एक के साथ शामिल क्यों नहीं हुआ। शीत युद्ध के दौरान भारत किसी भी पक्ष में शामिल नहीं हुआ क्योंकि उसे अपनी संप्रभुता को बचाए रखना था। मैंने ये क्वेश्चन पहले भी करवाया था कि उसे अपनी संप्रभुता को बचाए रखना है, अखंडता को, एकता को बचाए रखना है, इसलिए किसी भी पक्ष में शामिल होकर भारत अपने विकास को अवरुद्ध नहीं करना चाहता था। भारत गुटबाजी से दूर रहकर अपना चतुर्मुखी विकास करना चाहता था। तो यही है कि भारत इसलिए शामिल नहीं होना चाहता था किसी भी गुट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है तथा गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रेरणादाता कौन थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन विश्व की दो महाशक्ति अमेरिका और सोवियत संघ की गुटों में शामिल ना होकर स्वतंत्र गुट निरपेक्ष की नीति अपनाने की विदेशी नीति है। कि दोनों गुटों में से अमेरिका और सोवियत संघ ने जो गुट बनाए थे, नाटो और सीटो,
इनमें शामिल ना होकर अपना एक अलग से गुट बनाने की नीति को ही क्या कहते हैं, गुट निरपेक्ष कहते हैं। अब इसके प्रेरणादाता कौन थे, इसके प्रेरणादाता थे गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रेरणादाता जवाहरलाल नेहरू, सुकर्णो, जोसेफ बास टीटो, गमाल अब्दुल और वामे एंड कुर्मा थे कि वामे एंड कुर्मा थे। जवाहरलाल नेहरू जो थे इसके प्रमुख थे, जिन्होंने इसके गुट निरपेक्ष को बनाने का सुझाव दिया था, तो वो इसके प्रमुख थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कब और कहाँ हुआ और उसमें कितने देश शामिल थे। अब ये पूछें कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ, उसमें कितने देश शामिल थे और वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन में कितने देश शामिल हैं। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था, कि 1961 में इसका पहला सम्मेलन हुआ था जो भी बेलग्रेड में था, और इसमें 25 देश शामिल थे। इसमें 25 देशों को शामिल किया गया था। वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन में 120 देश शामिल हैं। अब वर्तमान में इसमें 120 देश शामिल हैं।